देखो भाई वो रात में धुआं चेक कर रहा है, ट्रैक्टर धुआं दे रहा है। धुआं देने का रीजन हो सकता है भाई, तो ट्रैक्टर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है। 25 HP की मशीन और 45 HP का ट्रैक्टर भैया, न्यू हॉलैंड का 3230 TX सुपर। आज मैं इसको दो प्रकार से चला के दिखाऊंगा इसी थ्रेस्टर मशीन पे। एक तो जो नॉर्मल आता है भैया, अपन जो चलाते हैं पीटीओ एड करके डायरेक्ट आप इसको चला दे, और एक आता है भैया गियर के माध्यम से मशीन को चलाना। तो दोनों प्रकार से इसको मैं चला के दिखाया है वीडियो में, वीडियो आगे देखेगा। और दोनों में भाई फर्क आया है, फर्क ये आया है कि जब मैं इसको डायरेक्ट चला रहा था भाई, तो ये ना ट्रैक्टर बार बार दब रहा था, जो इंजन पे लोड पड़ रहा था मेरे क्लच प्लेट, ट्रैक्टर के क्लच प्लेट पे लोड पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं धुआं बहुत ज़्यादा दे रहा था, ज़्यादा दे रहा था और RPM ड्रॉप कर रहा था। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको थर्ड गियर में मैंने डाल दिया है 1700 RPM पे, और अभी अच्छे से वर्क कर रहा है और काम अच्छे से कर रहा है। अब ट्रैक्टर पे ऐसा लग नहीं रहा है ट्रैक्टर दब रहा है, ये RPM ड्रॉप कर रहा है। अब डाल दिया। अब इसका मेन रीजन था भाई ये कि जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी भाई, सोयाबीन उतना गीला होते जा रहा था, ओस वगैरह भी हल्की फुल्की आने लग गई थी और हवा ज़्यादा ठंडी चलने लग गई, सोयाबीन कहीं ना कहीं गीला होने लग गया। और गीला होने के कारण क्या निकल रहा है पता, अंदर से मैं आपको दिखा दूँ, बता भी दूँ, देख सकते हो। जानकारी क्या है वो मैं आपको बता दूँ किसान भाइयों, तो पहले इस ट्रैक्टर में मैंने चलाई थी भैया 35 HP की मशीन, उसकी पूरी RPM सेटअप करवा के इस पर चलाया था, परफॉर्मेंस अच्छा था। पर आज की जो थ्रेशर मशीन है वो कुछ अलग है। आज मैं चला रहा हूँ प्रगति की 1999 मॉडल है भाई ये, और ये 25 HP की मशीन है। वीडियो बनाने का इतना मतलब है भाई कि 45 HP ट्रैक्टर पे अगर आप 35 HP की मशीन चलाते हो, ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस तो रहता है भाई, पर जब 25 HP की चलती है तो ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वही दो गुना हो जाता है। पहली बात तो ये, तो सीधी सी बात है भाई कि 35 HP की मशीन चलाना है अगर आपको, तो आप 50 HP प्लस ट्रैक्टर लीजिए, और 25 HP चलाना है भाई 25 से 30 HP तो 45 से 48 HP का ट्रैक्टर आप ले सकते हो। इसमें भाई हमने क्या करवाया, इसका पूरी RPM भी सेट करवाया है प्रॉपर तरीके से। और हर वीडियो में इस प्रकार की जब वीडियो बनाई है जी कि थ्रेशर मशीन से आप किसी भी ट्रैक्टर से सोयाबीन निकाल रहे हो, तो थ्रेशर मशीन का जो पूरी RPM होता है भाई वो सेटअप करवाना ज़रूरी है, तभी अच्छे से वर्क करता है। उसका फ़ायदा क्या है कि आपका ट्रैक्टर हिट नहीं होगा, डीजल कम लेगा और अच्छे से काम करेगा, सीधी सी बात है। तो भाई ये है, बाकी अभी नाइट का समय है, लगभग समय जो हो चुका है 7:30 के आसपास हो चुका है, सोयाबीन निकालनी बाकी थी, मौसम बहुत ख़राब था तो हमने सोचा नाइट में निकाल लेते हैं। तो ये मशीन थी तो इस पर हमने वीडियो बनाया, आपको सूखा है थोड़ा गीला भी है, क्योंकि तो नाइट के टाइम पे अगर आप सोयाबीन निकाल दो सीधी सी बात है थोड़ा सा गीला आता है मौसम की वजह से। तो ये है, बाकी ट्रैक्टर में दिखाऊँ भाई, तो ये न्यू हॉलैंड का 3230 TX सुपर प्लस है। और वीडियो बनाने का इतना ही मतलब है भाई कि अभी सीजन जो चल रहा है वो चल रहा है सोयाबीन का, और खेतों में हार्वेस्टर मशीन नहीं जा पा रही है, मध्य प्रदेश में काफ़ी शानदार बारिश हुई है तो वो सोयाबीन का सीज़न जो आ चुका है मशीन नहीं जा पा रही, तो किसान भाई चलवा रहे हैं भैया थ्रेशर मशीन से सोयाबीन निकाल रहे हैं। थ्रेशर मशीन नहीं जा पा रहा है, किसान भाई निकाल रहा है भैया थ्रेशर मशीन से सोयाबीन। अब थ्रेशर मशीन में किसान भाई जल्दबाजी में क्या करता है कि किसी भी थ्रेशर मशीन को अपने ट्रैक्टर में ऐड कर लेता है, ना SP देखता है और ना पूरी RPM देखता है। उससे बेनिफिट, उससे नुकसान क्या होगा कि आपका ट्रैक्टर दबेगा, डीजल ज़्यादा खाएगा और सीधी सी बात है वर्क अच्छे से नहीं करेगा। कई बार क्या होती है मशीन दाना तोड़ती है या भूसे तरफ आप दिखाई दे रहे ना भूसे तरफ, वहाँ आपको दाना फेंक के देगी। कुछ सेटिंग वगैरह की है, हाथ वगैरह कुछ ख़राब हुए भाई, पर यही किसान है, यही लाइफ है भैया फार्मर की। अभी पूरा सेटअप हमने कर चुके हैं, नाइट का समय है 7:30 बजे के आसपास है, वो इतना निकालना बाकी है, समथिंग हमें लग जाएगा भाई 1.25 घंटा के आसपास हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि जो है व्यक्ति है वो भाई वो ज़्यादा है। पहली बात तो ये, अब मैं ट्रैक्टर का RPM आपको दिखाता हूँ कि 25 HP ट्रैक्टर पे 45 HP का जो ट्रैक्टर है भाई वो कितने RPM पे चला रहा है और कितने RPM ड्रॉप कर रहा है वो आप लाइव देख सकते हो। चल रहा है
और 100 RPM ड्रॉप कर रहा है, नॉर्मल चीज़ है, उसमें इतना कुछ नहीं है भाई। थ्रेशर मशीन तो चला रहा है भाई, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें है। बाकी आप देख सकते हो, काम देख सकते हो। साथ में किसान भाई मैं आपको दिखा भी दूँ कि सोयाबीन कैसा निकल रहा है। सोयाबीन की जानकारी दे भाई, तो 2303 है जो इस बार अच्छा उत्पादन दिया है सोयाबीन ने। तो ये भी है भाई, एक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो ये है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ सोयाबीन वगैरह। अच्छा, सेटिंग करते टाइम जब आप एक और जब जानकारी याद आ गई भाई, तो कुछ और आपको जानकारी दे दूँ कि जब थ्रेशर मशीन में आप किसी फसल की आप सेटिंग कर रहे हो, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले सबसे पहले आप ट्रैक्टर की पुली आरपीएम तो मिला ही लीजिए, सेटअप करवा लीजिए। उसके बाद जब भी स्टार्ट करें भाई, तो भूसे तरफ आप एक बार देख लीजिए कि वहाँ दाना तो फेंक तो नहीं रही है या फिर तोड़ के तो नहीं फेंक रही है, एक वो देख लीजिए। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम आती है भैया यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक यहाँ आती है प्रॉब्लम बार बार जो है ना, गाला ऊपर बढ़ जाता है कई बार, तो एक वो प्रॉब्लम भी आती है। तो ये है भाई आज की वीडियो में, एक जानकारी के तौर पे इतना ही बताया भाई। देखो भाई, वो रात में धुआं चेक कर रहा है, ट्रैक्टर धुआं दे रहा है, नहीं दे रहा। धुआं देने का रीज़न हो सकता है भाई, एक तो ट्रैक्टर पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, अभी हल्का 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 धुआं दे रहा है, गीला है। अब समय हो चुका है भाई निकालते निकालते, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है। मैं ऐड कर रहा हूँ भाई ये चीज़ें बाद में, ठीक है। मैंने आपको वहाँ तक जानकारी दी पुली आरपीएम तक, उसका थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, ऐड भाई मैं ये कर रहा हूँ। पहले हम चला रहे थे इसको नॉर्मल जिस स्पीड से चलता है 540 आरपीएम पे, अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं चला रहा हूँ इसी ट्रैक्टर को इसी थ्रेशर मशीन पे, 25 की थ्रेशर मशीन पे, तीसरे गियर में। अब मैं गियर का उपयोग कर रहा हूँ भाई, उससे क्या रहेगा कि मेरा ट्रैक्टर ना रुकेगा नहीं। अभी दो बार रुक चुका था, बहुत गीला पड़ रहा है भाई, तब मैं इसको तीसरे गियर में चला रहा हूँ। देखो थर्ड गियर में चल रहा है, इधर का न्यूट्रल है, थर्ड गियर में चल रहा है भाई ये, और आरपीएम उतना ही है। आरपीएम ने 1700 कर दिया, अब आरपीएम 1700 कर दिया और तीसरे गियर में ये चल रहा है। तो भाई कुछ चीज़ें होती है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं चल रहा है, गियर चेंज कर दो। ट्रैक्टर में एक ऑप्शन आता है भाई, कंपनी देती है गियर चेंजेस का, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको लगे वहाँ गियर उपयोग करें। कई बार किसान क्या करते हैं, कई बार चढ़ाई चढ़ाने के लिए, अपने ट्रैक्टर का पावर दिखाने के लिए ट्रैक्टर को थर्ड गियर सेकेंड गियर में चढ़ा देते हैं, जबकि ट्रैक्टर शायद वहाँ फर्स्ट गियर में या फिर मीडियम में चलता हो। पर कैसे किसान भाई ताकत दिखाने के लिए, आजमाने के लिए चढ़ा देते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आती है भाई। सबसे बेहतरीन नुकसान, ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है क्लच प्लेट के। ट्रैक्टर क्लच प्लेट है ना, कई लोड पड़ता है, वो ट्रैक्टर ही जानता है। तो ऐसे गियर का भी उपयोग करते रहिए भाई, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कि किसी भी ट्रैक्टर में अगर आप चला रहे हो थ्रेशर मशीन, तो पुली आरपीएम सेटअप करना ज़रूरी है भाई। तो ये है आज की वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए किसान भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब सोयाबीन में आपको दिखा दूँ और बता दूँ कि कैसा निकल रहा है। पुराने किसान भाई कहते थे कि सोयाबीन जब निकलती है भाई, तो पता चल जाता है कि कितना कुंटल बीघा हो सकता है। अभी उस प्रकार की मुझे जानकारी नहीं कितना कुंटल होगा, बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किसान भाइयों, बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।